सॉफ्टवेयर कैंपस चैनल, मैं कुंदन आपका ट्यूटर। आज इस वीडियो में जो हमारी टॉपिक है वो है माइक्रो, और एमएस वर्ड में माइक्रो एक इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है जिसके बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे थ्योरी और प्रैक्टिकल क्लास में। और ये वीडियो है डीसीए प्लेलिस्ट की, और जिसमें हम लोग आज वर्ड की जो लास्ट टॉपिक है माइक्रो, उसको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके बाद अगली वीडियो में आपको एक्सेल की जो क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। तो चलिए हम लोग माइक्रो को अच्छे से समझते हैं। दोनों क्लासेस आप अटेंड करें, थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों क्लासेस को आप देखें अच्छे से, क्योंकि थ्योरी क्लास आपको वीडियो के शुरू में मिलेगी और इसमें आपको बहुत सारे थ्योरी और कॉन्सेप्ट और स्टेप्स मिलेंगे जिसे आप अच्छे से समझ के नोट डाउन कर लीजिए अपने कॉपी में, और वीडियो के लास्ट में आपको प्रैक्टिकल क्लास मिलती है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप क्या क्या सीखेंगे, इस वीडियो की ऑब्जेक्टिव क्या है वो जान लेते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है माइक्रो ऑप्शन वो क्या है एमएस वर्ड में, वो आपको आज पता चलेगा। साथ में कैसे रिकॉर्ड किया जाए माइक्रो को एमएस वर्ड में, उसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी, और कैसे रिकॉर्डिंग को बीच में पॉज किया जाए या फाइनल होने पर स्टॉप किया जाए, ये कैसे किया जाए वो भी आप आज जानेंगे। साथ में जब आपने रिकॉर्ड कर लिया है माइक्रो को तो उसको कैसे यूज़ करें, यानी दोबारा उसको कैसे व्यू करें या कैसे रन करें, इसके बारे में भी हम लोग आज देखेंगे। और वीडियो के लास्ट में इन सारी चीज़ों के ऊपर हम लोग एक प्रैक्टिकल डेमो करेंगे, मतलब मैं आपको एमएस वर्ड में इन सारी चीज़ों को एक बार करके भी रन करके भी बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले माइक्रो एक ऑप्शन है जिसमें किसी भी तरह का वर्क जो आप वर्ड में कर सकते हो उसको आप रिकॉर्ड कर सकते हो। सपोज अगर आप कुछ पैराग्राफ या कुछ लाइन आप लिखना चाहते हो, जो बार बार आप लिखना चाहते हो, तो उनको आप रिकॉर्ड कर लो। सपोज अगर आप कुछ लाइन लिख रहे हैं या कुछ पैराग्राफ लिख रहे हैं तो उसको आप चाहते हैं आप रिकॉर्ड कर लें और बाद में आपको लिखना ना पड़े, बस आप उसको यूज़ करें माइक्रो को, है ना, तो वो अपने आप वो पैराग्राफ या जो लाइन आपने लिखा है वो ऑटोमेटिक आ जाए। तो ये एक एग्जांपल है माइक्रो का। आप चाहो तो माइक्रो का बहुत जगह यूज कर सकते हो, ठीक है। तो मेन पर्पस क्या है कि वैसी चीजें जिसको आप बार बार यूज करना चाहते हो एक ही चीज को, और वो आप बार बार लिखना नहीं चाहते हो, आप बचना चाहते हो ज्यादा काम करने से, तो आप माइक्रो को यूज कर सकते हैं। तो माइक्रो के लिए आपको व्यू टैब पे जाना होगा एमएस वर्ड के, और माइक्रो पे जब आप क्लिक करेंगे तो व्यू माइक्रो और रिकॉर्ड माइक्रो दो ऑप्शन आपका हाइलाइटेड होगा। व्यू माइक्रो में जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक विंडो इस तरह का खुलेगा जिसमें अभी तक जितने भी माइक्रो क्रिएट किए गए हैं वो सारे दिखाई देंगे आपको बाय नेम। जैसे यहाँ पे माइक्रो वन एक क्रिएट किया हुआ है तो इसका नाम ही माइक्रो वन रखा है, तो ये माइक्रो वंस के नाम से आपको दिखेगा। जो भी नाम आप रखेंगे रिकॉर्ड करने समय या सेव करने समय माइक्रो बनाने समय, तो वो नाम आपको यहाँ पे दिखेगा। और उस माइक्रो को जब आप यूज करना चाहते हैं तो उस माइक्रो को आप सेलेक्ट करके यहाँ पे रन पे क्लिक कर देंगे तो उस माइक्रो के अंदर जो भी रिकॉर्ड हुआ होगा वो काम आपका परफॉर्म हो जाएगा। तो ये है माइक्रो को यूज करने का तरीका। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पे, लेकिन ये आपके अभी काम की चीज़ नहीं है, ये एडवांस चीज़ है, कोडिंग से रिलेटेड है। ये कोडिंग क्या होता है वो मैं आपको प्रैक्टिकल क्लास में बताऊंगा, क्योंकि अभी ये थ्योरी क्लास चल रही है, इस पर मैं अभी क्लिक भी करूंगा तो कुछ रिस्पांस नहीं आएगा। तो प्रैक्टिकल क्लास में मैं आपको इस पर क्लिक करके बताऊंगा कि इन सारे ऑप्शन का पर्पज़ क्या है, ठीक है। तो अभी इतना समझिए कि व्यू माइक्रो में आपके पास बने बनाए माइक्रो के लिस्ट होते हैं जिसमें से आप कोई भी माइक्रो को आप रन करके उससे रिलेटेड काम को परफॉर्म करा सकते हैं। रिकॉर्ड माइक्रो कैसे होगा हम लोग जानते हैं, इससे पहले इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। रिकॉर्ड माइक्रो के लिए आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह की विंडो खुलेगी, वहां पर आपको सबसे पहले माइक्रो का नाम देना है। उसके बाद दो तरीके से आप माइक्रो को असाइन कर सकते हैं, एक बटन से और एक कीबोर्ड से, ठीक है। बटन का मतलब हुआ टूल्स, किसी भी टूल्स को के जरिए आप बना सकते हैं। नॉर्मली इसको हम लोग कीबोर्ड से बनाते हैं क्योंकि कीबोर्ड ज़्यादा आसान है, जल्दी से बन जाएगा, जल्दी से आपको माइक्रो यूज हो जाएगा, है ना। तो कीबोर्ड पे आप जब क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा अपने आप, इस तरह का कस्टमाइज कीबोर्ड टाइटल का एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने होगा, और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन होंगे लेकिन आपको उन सारे ऑप्शंस पे नहीं जाना है। यहाँ पे प्रेस न्यू शॉर्टकट की यहाँ पे प्रेस करना है, ठीक है।
नॉर्मली बहुत सारे शॉर्टकट की जो कॉमन है, जैसे कॉपी पेस्ट कट, कॉपी पेस्ट वगैरह का, तो कोशिश करें कि वैसे शॉर्टकट यहाँ ना डालें जो पहले से दिया गया है ना। तो कुछ यूनिक सा शॉर्टकट की आप यहाँ पे यूज़ करें, जैसे मैंने किया है कंट्रोल 8। सपोज अगर आप पहला माइक्रो बना रहे हो तो कंट्रोल 1 कर दो, है ना, कंट्रोल 2 कर लो, ऐसा कर लो। और उसके बाद फिर जब यहाँ पे शॉर्टकट की आप प्रेस कर देते हैं, तब आप असाइन पे जरूर क्लिक करें। असाइन पे क्लिक करने के बाद आपको ये विंडो क्लोज कर देना है, यानी क्लिक ऑन क्लोज। जैसे ही क्लोज करेंगे असाइन करने के बाद, तो आपका जो माइक्रो है वो एक्टिवेटेड हो जाता है और आपकी माइक्रो के पीछे की जो रिकॉर्डिंग है वो स्टार्ट हो जाती है। वो आपको पता भी नहीं चलेगा, मैं आपको प्रैक्टिकल क्लास में उसे शो करके बताऊंगा। और आप जो भी काम कर रहे होंगे उस समय वो सारा चीज़ रिकॉर्ड होगा, चाहे आप लिख रहे हों या कोई चीज़ डिलीट कर रहे हों, फॉर्मेटिंग कर रहे हों, जो भी एक्टिविटी आप वर्ड डॉक्यूमेंट में कर रहे होंगे वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड होने लगती है। और उसको चेक करना है तो आप एक बार फिर से माइक्रो पे क्लिक करिएगा। उससे पहले कुछ काम कर लीजिए, डू एनीथिंग विच यू वांट टू रिकॉर्ड। जो भी काम आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं, जिसको आप बार बार यूज़ करना चाहते हैं माइक्रो के ज़रिए, तो उसको आप यहाँ पे कर लें। करने के बाद जब आप माइक्रो पे क्लिक कीजिएगा तो आप देखिएगा कि व्यू माइक्रो के बाद जो रिकॉर्ड माइक्रो है वो रिकॉर्ड माइक्रो का ऑप्शन ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि रिकॉर्डिंग अभी चल रहा है ना। तो स्टॉप और पॉज रिकॉर्डिंग की जो ऑप्शन है वो आपको दिखने लगेगी, है ना, क्योंकि अभी रिकॉर्डिंग ऑन है, रिकॉर्डिंग चल रही है। जो भी कर रहे हैं आप, माइक्रो पे भी क्लिक कर रहे हैं वो भी रिकॉर्ड हो रहा है। तो वहाँ पे क्या है कि स्टॉप और पॉज दो ऑप्शन आएगा। पॉज का मतलब हुआ कि आप बीच में रिकॉर्डिंग थोड़ी देर के लिए रोकना चाहते हैं, है ना, उसके बाद फिर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो पॉज पे क्लिक करिएगा। अगर आप फाइनली अब रिकॉर्डिंग परमानेंटली बंद कर देना चाहते हैं, आप नहीं चाहते हैं कि अब कोई आगे रिकॉर्डिंग हो, तो आप स्टॉप पे क्लिक कीजिएगा। इस दोनों में से किसी एक ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, पॉज और स्टॉप। लास्टली आपको माइक्रो को क्लोज करने के लिए स्टॉप पे क्लिक करना ही होगा। फिर जब ये रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाएगी, सेव हो जाएगी, तो आप उस माइक्रो को यूज़ करने के लिए, जैसा कि मैंने पहले ही बताया आपको, कि व्यू माइक्रो पे क्लिक करके आप चाहे तो वो रिकॉर्डेड माइक्रो को देख सकते हैं और उसको वहां से रन कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपने शॉर्टकट से बनाया माइक्रो को, तो आप डायरेक्ट शॉर्टकट भी यूज़ करेंगे तो वो माइक्रो आपका रन होगा और जो भी चीज़ें रिकॉर्ड किए होंगे आप, वो सारा चीज़ दोबारा से वापस वहाँ दिखाई देगा। और ये जितनी बार आप चाहेंगे उतनी बार यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है माइक्रो का ऑप्शन। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि माइक्रो कैसे रिकॉर्ड करते हैं, कैसे उसको पॉज स्टॉप करते हैं और व्यू करके कैसे उसे रन करते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आपको थ्योरेटिकली अभी बताया है। तो चलिए प्रैक्टिकल क्लास में मैं आपको एमएस वर्ड में माइक्रो को रिकॉर्ड करना, है ना, नया माइक्रो रिकॉर्ड करना, उसको पॉज और स्टॉप करना और बने बनाए माइक्रो को रन कैसे किया जाए, ये सारी चीज़ें मैं आपको करके दिखा देता हूँ प्रैक्टिकल क्लास में। और इससे पहले कि हम लोग प्रैक्टिकल क्लास में चलें, अगर आप चाहते हैं इस तरह का वीडियो और आप नए यूज़र हैं, पहले से हमसे नहीं जुड़े हुए हैं, पहली बार हमारे चैनल और इस वीडियो को देख रहे हैं, तो हमारे चैनल से सब्सक्राइब हो जाएं और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें, जिससे कि वो सारी वीडियो अपने आप आपको मिल जाए, नई वीडियो, है ना। और वीडियो अगर अच्छी लग रही है, आप बातें समझ रहे हैं, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और अभी रुके रहें, क्योंकि अभी प्रैक्टिकल क्लास में हम लोग माइक्रो को एक बार करके भी देखेंगे, तो वो चीज़ भी आप देख लीजिए, जिससे कि आप अच्छे से समझ लें और फिर आप खुद से प्रैक्टिस करें। तो चलिए प्रैक्टिकल क्लास में हम लोग माइक्रो को रिकॉर्ड करके देखते हैं। वेलकम टू प्रैक्टिकल सेशन ऑफ दिस वीडियो। आज इस वीडियो में हम लोग सीख रहे हैं माइक्रो का ऑप्शन एमएस वर्ड में, जो कि व्यू टैब में सबसे लास्ट ऑप्शन है। और माइक्रो में आप सबसे पहले कुछ माइक्रो बनाना सीखें, रिकॉर्ड करना सीखें, तो उसके लिए यहाँ पे रिकॉर्ड माइक्रो पे आपको क्लिक करना है। इस तरह का डायलॉग बॉक्स खुलेगा, यहाँ पे माइक्रो का नाम देना है। सपोज मैं यहाँ माइक्रो का नाम दे देता हूँ चैनल। उसके बाद आप या तो बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको कोई टूल सेलेक्ट करना होगा, अगर कीबोर्ड पे अगर आप क्लिक करेंगे तो कोई शॉर्टकट की देना होगा, तो ज़्यादा आसान है कीबोर्ड से, तो आप इस पर क्लिक करें। यहाँ पे आपसे प्रेस न्यू शॉर्टकट की मांगा जाएगा, तो आप ऐसा शॉर्टकट की दें जो पहले से यूज़ नहीं किया हुआ है, जैसे कट कॉपी पेस्ट में कॉमन शॉर्टकट यूज़ किया जाता है। तो आप अच्छा रहेगा कि कंट्रोल के साथ कोई नंबर की प्रेस करें, तो वो चीज़ यहाँ पे असाइन हो जाएगा। और कंट्रोल प्लस F5 प्रेस करने के बाद आप यहाँ पे असाइन पे जरूर क्लिक कर लें और उसके बाद क्लोज पे क्लिक कर दीजिएगा, तो माइक्रो आपका स्टार्ट हो गया। यहाँ पे देखिए, ये आपका जो माउस का पॉइंटर है उसके साथ एक कुछ पिक्चर जैसा आपको दिख रहा होगा,
ये सिंबल है कि आपकी माइक्रो रिकॉर्डिंग हो रही है। अब जो भी कुछ आप अपने इस वर्ड डॉक्यूमेंट में टाइप करेंगे, सपोज मैं यहाँ पे अपने चैनल का नाम टाइप करता हूँ, है ना, तो वो यहाँ आपको दिखने लगेगा। ठीक है, तो ये यहाँ से बस इतना ही रहने देते हैं और इसको यहाँ से स्टॉप कर देते हैं। स्टॉप या पॉज भी आप कर सकते हो, पॉज करके कुछ काम कर लो फिर आप रिकॉर्ड कर सकते हो, नहीं तो आप स्टॉप रिकॉर्डिंग पे क्लिक कर दीजिए, आपका माइक्रो स्टॉप हो गया। अब ये माइक्रो जो रिकॉर्ड हुआ उसको देखने के लिए आप व्यू माइक्रो में जाइए, यहाँ पे उस नाम से आपको माइक्रो दिख जाएगा, यहाँ पे आप रन पे क्लिक कीजिएगा तो वो वापस वो माइक्रो अपना काम कर देगा, और जितनी बार आप उस पर उसको रन करोगे उतनी बार काम करेगा। उसके अलावा कहीं भी सपोज अगर आप यहाँ पे चाहते हो तो इसका शॉर्टकट आपको पता है, कंट्रोल प्लस F5 करेंगे तो उससे भी आपको वो काम। तो अभी मैंने ये छोटा सा नाम बताया, आप चाहो तो पूरा का पूरा पेज लिखो और उसको माइक्रो में रिकॉर्ड करो और फिर जहाँ ज़रूरत हो वहाँ उसको यूज़ करो। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि माइक्रो कैसे रिकॉर्ड करते हैं, बहुत ही आसान स्टेप है, मैंने आपको थ्योरी में भी बताया है, अभी करके भी बता दिया है। इसके अलावा व्यू माइक्रोस में आप जो ये सारे ऑप्शंस देख रहे हैं ये सारे कोडिंग्स के ऑप्शन हैं। कोडिंग का मतलब क्या होता है, जैसे माइक्रो में आपको कोई कोडिंग करके मॉडिफिकेशन करना है, जैसे स्टेप इंट्रो पे आप क्लिक करो तो यहाँ मैं आपको एक नॉलेज के लिए बता दूं कि एमएस वर्ड विजुअल बेसिक यानी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है विजुअल बेसिक, उसके द्वारा बनाई गई है और ये देख सकते हैं आप प्लेटफॉर्म है विजुअल बेसिक का, ऊपर में आपको दिखाई दे रहा होगा और यहाँ पे कोडिंग यहाँ पे स्टार्ट हुआ है। ठीक है, और अभी जो काम हो रहा है वो हो रहा है जो माइक्रो है वो है चैनल, आप देख सकते हैं जो हम लोगों ने अभी चैनल माइक्रो बनाया है। उसके अलावा सिलेक्शन डॉट टाइप टेक्स्ट, इसका अपना एक कोडिंग है। तो ये माइक्रो की कोडिंग सेक्शन है जिसमें आपको कुछ नहीं करना है, ये इंटरनल वर्क है ना, उसके लिए आपको यहाँ पे कुछ भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सारे जो भी ऑप्शन है आप एडिट पे भी खोलोगे तो भी आपको यही चीज़ दिखेगा, केवल एक डिलीट ऑप्शन है जिसको आप यूज़ कर सकते हो माइक्रो को डिलीट करने के लिए, अगर आप चाहते हो तो यहाँ से डिलीट कर दोगे तो वो डिलीट हो जाएगा। क्रिएट में भी आप जाओगे कोडिंग सेक्शन में भी यहाँ से रिप्लेसमेंट के लिए पूछ रहा है, अगर आप इस माइक्रो को किसी दूसरे माइक्रो से रिप्लेस करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को क्लिक कीजिए, अदरवाइज आप उसको कैंसिल कर दें। तो बेसिक चीज़ें ये हैं कि अगर आप कोई नंबर ऑफ पेजेस नंबर ऑफ पैराग्राफ्स अगर आप चाहते हो कि बार बार यूज़ करना तो उसको आप माइक्रो में रिकॉर्ड कर लो और फिर जहाँ ज़रूरत हो वहाँ पे उस माइक्रो को रन करा के आप अपना काम कर लो। तो आई थिंक आप माइक्रो के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे जो आज इस वीडियो की ऑब्जेक्टिव थी। तो आप इसको खुद से भी यूज़ करो, प्रैक्टिस करो, अगर कोई प्रॉब्लम हो कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करना, मैं रिप्लाई करूँगा। चलिए, अगर वीडियो पसंद आई, अगर आप बातें समझ रहे हैं, माइक्रो अगर आपसे बन जाए रन कर जाए तो आप ज़रूर कमेंट करना और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना और हमारे चैनल के साथ बने रहिए, क्योंकि आने वाले दिनों में हम लोग एक्सेल सॉफ्टवेयर की पूरी वीडियो बनाने वाले हैं, तो वो सारी वीडियो अपने आप आपको मिल जाए। इसके लिए आप चेक कर लीजिए कि आपने नोटिफिकेशन पे क्लिक किया है कि नहीं। तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिस, थैंक यू, बाय बाय।